आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। संविधान पीठ ने आज इस मामले में बड़ा फैसला देते हुए 10% के आरक्षण को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था को संवैधानिक करार दिया है। EWS कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया। इन जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता, जबकि जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने अन्य 3 जजों से असहमति जताते हुए व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस UU ललित ने भी जस्टिस भट्ट से सहमति जताई और EWS आरक्षण को असंवैधानिक माना। आपको बता दें कि संविधान ने सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसी के तहत साल 2019 में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ करीब 40 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन अब सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। यानी ये बहस अब यहीं पर समाप्त हो गई है और इस फैसले ने देश में एक नया इतिहास कायम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।